नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। JLC IAS परिवार आपका स्वागत करता है। मैं कामिनी कौशल लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश का भाग 9। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन आंसर्स। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन। देखिए, मध्य प्रदेश में सिंचाई विभाग की स्थापना कब हुई? देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहती हूँ कि सिंचाई मतलब क्या होता है। देखिए क्या होता है कि जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो नदियाँ हैं वो कैसी है? हमारी मानसूनी नदियाँ हैं। कैसी नदियाँ हैं दोस्तों? मानसूनी नदियाँ हैं। कहने का मतलब कि जब बारिश होती तो नदियों में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, और जब बारिश ख़त्म हो जाती है तो जो होता है पानी बह जाता है नदियों से। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारी कृषि होती है, कृषि जो हम मध्य प्रदेश में या अपने पूरे भारत की अर्थव्यवस्था मानी जाती है, तो दोस्तों इसके लिए जो चाहिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि देखिए, किसी भी अनाज को या किसी भी ग्रेन को उगने के लिए एक मिट्टी में नमी होना बहुत ज़रूरी होता है। जो मिट्टी होती है उसमें नमी होना बहुत ज़रूरी होता है, और उसमें समय समय पर उस बीज को, उस सीड को पर्याप्त पानी देने की हमको ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, तभी जाके वो बीज पूरे अच्छे तरीके से फल फूल होता है। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश में जो सिंचाई की व्यवस्था कैसे की गई दोस्तों? क्योंकि देखिए, जब देखा कि जो हमारा हमारी जो नदियां हैं वो मानसूनी नदियां हैं, पानी उसमें बरसात के समय बहुत ज़्यादा स्तर बढ़ जाता है और पानी बह जाता है, तो दोस्तों यही सब पानी को स्टोर करने के लिए सिंचाई जो मतलब पानी होता है भरपूर मात्रा में मिले। जैसे कि सोयाबीन की मैं बात करूँ दोस्तों, सोयाबीन को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। आपके जो चावल होते हैं, धान की जो खेती होती है, उसको पानी की भरपूर ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, और बहुत सारी ऐसी फसलें जिनको पानी की भरपूर ज़रूरत, कुछ ऐसी फसलें होती जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों पानी की पर्याप्तता को मतलब टाइम टाइम पर देने के लिए हमारा जो मध्य प्रदेश सरकार है या भारत सरकार की मैं बात करूँ, इन्होंने अलग अलग व्यवस्थाओं का वर्णन जो है किया है, अलग अलग व्यवस्थाएं जो है स्थापित करी है। जैसे कि आपकी परियोजनाएं हो गई, आपके जो डैम बने, आपकी ये अलग अलग तरीके जो नदियों पर बांध बनाए गए, परियोजनाएं स्टार्ट करी गई, संयुक्त परियोजनाएं स्टार्ट करी गई। तो ये इसी कारण से ही स्टार्ट करी गई कि जो मध्य प्रदेश है या भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, इस देश में पानी की पर्याप्तता हो और जो बीज हो, उन्नत क्वालिटी के बीज हम लोग यूज़ करें, और खेती में जो पानी की वजह से जो दिक्कत आती हैं वो सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाए, और इसीलिए जो है सिंचाई व्यवस्था हम लोगों ने स्टार्ट करी है दोस्तों। तो ये जो है आपका टॉपिक आपका मध्य प्रदेश का है, और यूँ बोला जाए तो पूरा भारत का भी है जब हम भारत पढ़ेंगे, जब उसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट करें मध्य प्रदेश पढ़ रहे, तो मध्य प्रदेश के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए दोस्तों, ABCD हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, जिसमें से जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? 1905 में क्या हुआ था बेटा, जो है सिंचाई विभाग की स्थापना करी थी। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में करी थी। देखिए दोस्तों, ये जो मध्य प्रदेश राज्य के तत्कालीन जो महाराजा थे, मतलब ग्वालियर जो थे आपके, ग्वालियर के जो राजा थे, उन्होंने 1905 में सिंचाई विभाग की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? सिंचाई विभाग की स्थापना करी थी, और यहाँ पर स्टीम टर्बाइन में 240 मेगावाट का विद्युत उत्पादन भी किया था। देखिए, कोई भी बेटा परियोजना स्टार्ट करी जाती है या कोई सी योजना स्टार्ट करी जाती है तो इसका कुछ महत्व होता है। ठीक है, जैसे बांध बनाकर पानी को रोका जाता है तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे कि पानी बनाकर अपन ने बांध रोका तो उस बांध से जो है नहरें बना दी जाएगी ताकि नहरों से सिंचाई हो जाए, और उसके बाद वहीं पर ही जो है आपकी विद्युत उत्पादन करी जाती है उसी से ही। तो बेटा, जो 1905 में जो तत्कालीन राजा थे ग्वालियर के, उन्होंने 1905 में आपकी जो है ये तत्कालीन जो महाराजा थे, इन्होंने सिंचाई विभाग की स्थापना करी थी 1905 में, और उसी जो सिंचाई व्यवस्था जो स्टार्ट करी थी उसी पे ही उन्होंने क्या करा था, 240 मेगावाट का जो है विद्युत उत्पादन उन्होंने किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मैं आपको इसको बहुत अच्छे से मज़ेदार तरीके से आपको याद करवा दूंगी। ठीक है, क्या क्वेश्चन है बेटा? धूती बांध का निर्माण किस ब्रिटिश इंजीनियर ने कराया था? ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल इसका थोड़ा अच्छा है लेवल, लेकिन देखिए क्वेश्चन जो है आपका ABCD चार ऑप्शन दिए हैं। देखिए दोस्तों, ABCD आपके पास जो है ऑप्शन दिए हैं, जो जिसमें से आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? जॉर्ज मॉस हैरियट जो थे, जॉर्ज मॉस हैरियट जो थे, इन्होंने धूती बांध का जो है क्या करा था, निर्माण करा था। जो इंजीनियर थे इन्होंने इसका निर्माण करा था। देखिए दोस्तों, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दे देती हूं। देखिए, मध्य प्रदेश में आपका जो मध्य प्रदेश जिले में वैनगंगा नदी पर, कौन सी नदी पर बना हुआ बेटा ये वाला बांध जो है आपकी, कौन सी नदी पर? वैनगंगा नदी पर जो है ये वाला बांध आपका बना हुआ। मैं इसके बारे में जो है आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी। देखिए,
थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में समझाना चाहती हूँ बेटा कि कैसे बांध बना, कैसे क्या हुई चीज़ें, है ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। देखिए ये आपकी निकली है कहाँ से बेटा, सिवनी से, सिवनी से ये आपकी नदी निकली। कौन सी नदी निकली बेटा, वैन गंगा नदी निकली। कौन सी नदी निकली आपकी, वैन गंगा नदी है जो निकली, ठीक है, वैन गंगा नदी आपकी जो है निकली, ठीक है। अब ये नदी बहते बहते आती, ठीक है, बहते बहते कहाँ आएगी आपके, बालाघाट में आती। कहाँ आती बेटा, बालाघाट में आती। तो इस बालाघाट में ही, इस बालाघाट में ही यहीं पर ही आपका जो है कौन सा बांध बना हुआ बेटा, दूती बांध आपका बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है, दूती बांध बना हुआ है, ठीक है। ये वाला बांध आपका जो है ये आपकी वैन गंगा नदी पर ही जो है बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। और जो है यहीं पर ही आपका क्या है, एक भीमगढ़ बांध है। कौन सा, भीमगढ़ आपका जो है बांध है। कौन सा बांध है, भीमगढ़ बांध, जिसे क्या बोला जाता है, राजीव गांधी भी इसको, इस बांध को जो है बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं इसमें आप लोग को मैं बताती हूँ इसमें आपको कि यहाँ पर जो है आपका, फिर यहाँ से छिंदवाड़ा से, ठीक है, कहाँ से आपका जो है छिंदवाड़ा से नदी निकलती। कौन सी नदी, कान्हन नदी। कौन सी नदी निकलती है, कान्हन नदी निकलती है, ठीक है, जो यहाँ पर इसमें मिल जाती है, ठीक है, यहाँ पर आप यह जो है मिल जाती है। फिर उसके बाद बैतूल से, कहाँ से, बैतूल से, बैतूल से कौन सी नदी निकलती है आपकी, वर्धा नदी निकलती। कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, वर्धा नदी निकलती है। वर्धा नदी जो है आपकी, देखिए ये यहाँ पर इसमें मिल जाती है, यहाँ पर इसमें मिल जाती है। और ये जो संगम है आपका वर्धा नदी का जो संगम है और जो वैनगंगा का जो संगम है, यही आपका क्या है, प्राणहिता जो कहलाता है, संगम कहलाता है। कौन सा संगम कहलाता है बेटा, प्राणहिता संगम जो है आपका ये कहलाता है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको जो है समझ में आया होगा ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सिवनी से आपकी नदी निकलती है वैनगंगा, वैनगंगा नदी निकलते हुए कहाँ पर आती है आपके, इधर बहती हुई बालाघाट में आती है। बालाघाट में आपका दूती बांध बनेगा और यहाँ पर एक भीमगढ़ राजीव गांधी बांध बनेगा जो 1972 में आपका जो है बना था। उसके बाद जो है बेटा आपका छिंदवाड़ा से कान्हन नदी निकलती है आपकी, और बैतूल से आपकी कौन सी नदी निकलती है, वर्धा नदी निकलती है। वर्धा और वैनगंगा के जो संगम को ही क्या बोला जाता है बेटा, प्राणहिता जो है संगम बोला जाता है। और दूती बांध आपका कहाँ है, बालाघाट में। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो गांव में जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो धोती बांधते हैं, वाइट कलर की एक धोती होती है वो बांधते हैं गर्मी में। गर्मी में उनका पहनावा ही वही होता है, पोशाक उनकी वही होती है, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका बताती हूँ कि क्या बोलते हैं अपन लोग, जैसे कि नदी में नहाने जाते हैं गाँव के लोग जो होते हैं, या गाँव में अधिकतर यही ट्रेंड होता है कि नदियों में ही नहाने जाते हैं अधिकतर लोग, वहीं पर नहाते धोते सब वहीं पर होता है उनका, ठीक है। उस तरीके से कि ये जो नदी है आपकी वैनगंगा नदी है, तो उनको बोलेंगे कि आप अपनी धोती को बांध लो वरना वैनगंगा में बह जाएगी। क्या बोलेंगे कि आप अपनी धोती को अच्छे से बांध लो वरना क्या हो जाएगा, वैनगंगा नदी में बह जाएगी। तो बेटा उसी से याद हो गया कि धोती बांध लो और क्या हो जाएगा आपका, नहीं तो किस में बह जाएगी आपकी, वैनगंगा नदी में बह जाएगी, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको जो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों ये मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा इमेजिनरी फॉर्म लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती है, ताकि इससे क्या होता है आपका अट्रैक्शन बढ़ता है पढ़ने के लिए। देखिए ये रहा पुराना, ये आपका जो दूती बांध, ये रहा बेटा देखिए, ये जो है अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। देखिए इसकी डिज़ाइन भी देखिए उसी जो पहले का जो अंग्रेज लोग जो चीज़ें बनाते थे रेड कलर ही उस पर जो है पोतते थे वो लोग, उसी टाइप का, और काफ़ी मजबूत बांध है। देखिए जो अंग्रेजों के टाइम के जो बने हुए डैम होते हैं या कोई भी चीज़ होती है वो बहुत ही मजबूत होती है। देखिए ये कितना मजबूत बांध है, और ये इसी तरीके ये वाला बांध जो है बनाया गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों MPPSC मेंस की क्लासेस हमारे यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है बहुत ही जल्दी, जिसमें आपका इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही है। कौन से हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैचेस हैं आप लोगों के लिए दोस्तों। और स्टार्ट होने वाली 23 जून को, कब स्टार्ट होगी, 23 जून को स्टार्ट होने वाली है। आप लोग जो है हमारे एप्लीकेशन पर डाउनलोड कर सकते हैं JULCA, और जो है आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं हम लोगों से। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विशाल साइक्लोप्लियन बांध का निर्माण किसने कराया था। देखिए दोस्तों ये यहाँ से ये वाला जो क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में रिपीट होता है, ये वाला जो क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में रिपीट होता है बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोगों को समझना है। देखिए सारे वंश दिए गए हैं आप लोगों को, इन वंशों में से आपको एक चूज़ करना है, जो जो कि आपका जो होगा सी होगा, राइट आंसर होगा। कौन सा वंश होगा बेटा, परमार वंश होगा, क्योंकि बात करती हूँ मैं चंदेल वंशों की,
तो जो चंदेल वंशों ने, तो इन्होंने तालाब का निर्माण जो है आपका करवाया चंदेल वंशों ने, ठीक है। जो बी वाला जो आपका ऑप्शन है चंदेल वंश, चंदेल वंशों ने जो है आपका तालाबों का ही निर्माण करवाया है। बाकी जो बांध की जो बात हो रही है, साइक्लोपियन जो बांध था उसकी बात हो रही, तो वो जो बांध है उसका, उसको जो बनवाया था वो आपका जो है परमार वंश ने जो है बनवाया था, ठीक है। चलिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए ये, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बेटा साइक्लोपियन जो बांध है इससे क्वेश्चंस जो है हर एग्जाम में पूछे। देखिए ये जो बांध है ये कहाँ पर है बेटा, रायसेन जिले में, रायसेन जिले के भोजपुर में। कहाँ पर, कौन सी नदी पर बना हुआ है बेटा, बेतवा नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है आपके, बेतवा नदी पर यह बना हुआ है, ठीक है। कब बनाया था, 1010 से लेके 1053 ईस्वी में बनवाया था। कब बना था बेटा, 1010 से लेके 1053 ईस्वी में यह बांध आपका जो है बना था। और परमार वंश, जो परमार वंश है राजा भोज, देखिए परमार वंश की जो स्थापना जो करी थी आपके उपेंद्र जो राज थे उन्होंने जो करी थी, और उनके ही मतलब ये जो परमार वंश जो लगातार चलता आया उसमें जो सबसे साहसी जो राजा थे वो थे आपके राजा भोज थे, जिन्होंने भोपाल में भोजताल का निर्माण कराया है। भोजपुर में जो शिवलिंग है जिसकी तुलना सोमनाथ के मंदिर से करी जाती है उसका भी स्थापना इन्होंने ही की है बेटा। और ये जो थे राजा भोज जो थे चिकित्सा में, शिक्षा में, सभी में बहुत अग्रणी थे। इनको पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक था। इनकी जो राजा भोज जो थे, इनकी प्रारंभिक राजधानी जो थी वो आपकी इनकी थी उज्जैन थी, बाद में धार हो गई। उसके बाद बेटा ये इन्होंने ही इस वाले बांध का जो है क्या कराया बेटा, निर्माण कराया, जिसे क्या बोला जाता है, सबसे विशाल बांध बोला जाता है। देखिए बेटा उस समय पे जब राजा का राजा जो जो लोग थे जब उस समय पे ऐसी बांध वाला कि कुछ मतलब सीमेंट लगा के पत्थर लगा के ऐसा कुछ करा जाए ऐसा उस टाइम पे नहीं था। फिर भी इन लोगों ने कोशिश करी कि कैसे भी करके पानी को रोका जाए और पानी को रोक कर जो है सिंचाई की जाए। तो देखिए दोस्तों ये जो राजा भोज थे इन्होंने क्या करा था कि मतलब तीनों तरफ से चट्टानों को ऐसा रख कर पानी इन्होंने इकट्ठा करा और जिसे ही कौन सा बांध बोला गया आपका, साइक्लोपियन बांध बोला गया। देखिए देख लीजिए इसका इमेज देख लीजिए कि किस टाइप का था बेटा ये, देख लीजिए ये बेटा। देखिए जो पिक्चर मुझे प्रोवाइड हो पाई मैं वही लेकर आई हूँ आपको। देख लीजिए ये है ऐसे साइक्लोपियन बांध। देखिए ये बड़ी चट्टान दिख रही है आपको, तो ये तीनों तरफ से ही ये वाली चट्टान, तीनों तरफ से ही चट्टान है जहाँ पर ये देखो पानी दिख रहा है। इस पानी को जो है रोक कर रखा है, ठीक है, ताकि पानी क्या रहे कि बहुत टाइम तक स्टोर रहे और उसको जो है यूटिलाइज किया जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पहली नहर किस नदी पर बनाएगी। बात किसकी हो रही बेटा, नहर की बात हो रही, बात किसकी हो रही हमारी, नहर की जो है बात हो रही है, ठीक है। आप लोग इसको समझिए अच्छे से, है ना, क्योंकि जो है ये वाला जो क्वेश्चन है नहर वाला, ये वाला क्वेश्चन भी जो है बहुत बार एग्जाम में क्या हुआ, रिपीट जो है आपका हुआ है, ठीक है। देखो ए बी सी डी हमारे पास चार ऑप्शन है, ए बी सी डी क्या है हमारे पास, चार ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों, जिसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका जो है, क्या होगा बेटा, डी होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका, डी होगा। पहली नहर कहाँ बनी थी आपकी, चलिए देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम लोग। देखिए डिस्क्रिप्शन है कि पहली बार जो नहर बनी थी आपकी, जो आपकी नहर बनी थी पहली बार, वैनगंगा नदी कहाँ पर, बालाघाट में। वैनगंगा नदी पर जो है आपकी सबसे पहली जो नहर बनी थी वो यहाँ पर आपकी बनी थी, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश में वैनगंगा नदी पर कब, वैनगंगा नदी पर कब, 1923 में, कब 1923 में, कितने किलोमीटर, 45 किलोमीटर, कितने किलोमीटर बेटा, 45 किलोमीटर लंबी नहर का जो क्या करा गया, निर्माण करा गया। बाद में क्या है, दो अन्य 35 किलोमीटर की लंबी शाखा निर्मित करी गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता, प्रदेश के बालाघाट जिले में और महाराष्ट्र के भंडारा जिले में कुल 4000 हेक्टेयर का जो क्षेत्र इसी नहर के द्वारा संचित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये भी एग्जाम में बहुत बार जो है पूछा गया है। इसका पूछने का कारण बहुत अलग रहा है, क्योंकि देखिए इसका पूछने का कारण अलग रहा है क्योंकि जो आपके जो उत्तरी जो क्षेत्र, उत्तरी जो जिले हैं आपके, उन्हीं में सबसे ज़्यादा जो है नहरों से सिंचाई करी जाती है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि बच्चा क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। आपके जो उत्तरी वाले जो क्षेत्र हैं, मुरैना हुआ आपका, ग्वालियर जो हुआ आपका, ये नहरों के द्वारा सिंचित किए जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये जो आपकी बालाघाट वाला जो क्वेश्चन है वो इसीलिए ही पूछा जाता है कि जो पहली नहर परियोजना आपकी कहाँ स्टार्ट हुई थी बेटा, बालाघाट में स्टार्ट हुई थी, वैनगंगा नदी पर स्टार्ट हुई थी 1923 में। चलिए दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए ये ना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मध्य प्रदेश में पहला सिंचाई टैंक किसे माना जाता है।
पहला जो सिंचाई टैंक जो बनाया गया, कौन सा बेटा? सिंचाई करने के लिए, जैसे हम लोग पानी के लिए टैंकर बुलाते हैं अभी गर्मियों में, उसी तरीके से सिंचाई करने के लिए भी टैंक बनाए गए। तो पहला जो टैंक था एबीसीडी में से, देखिए ये तो ऑप्शन बनाए हैं, है ना, क्योंकि सभी में तीती होना चाहिए। ये मैंने ही अपने क्वेश्चन आपको जो है बना दिया, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा गया, तो क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा गया था, लेकिन मैंने इस टाइप से इसको जो है बनाया। देखिए तो ये कमलापति तो होगा नहीं, क्योंकि कमलापति कौन है आपके जो है, आपका कमलापति स्टेशन है कौन सा? आपका भोपाल जो स्टेशन बन गया है कमलापति, जिसे कि एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया गया है ना, जो कि बंसल ग्रुप के द्वारा मतलब प्राइवेटाइजेशन हो गया इसका, है ना। और जो कमलापति जी के बारे में आप लोग सभी जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद में होता आपका नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपका कौन सा आता है, पलकमती। ये जो है आपका बेटा, ये है पहला जो टैंक है आपका, ये है कौन सा? पलकमती, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। देखिए ये जो आपका बना है, ये जो आपका जो सिंचाई टैंक बना है, ये कहाँ पर बना है आपका बेटा? रायसेन जिले में। कौन से जिले में? रायसेन जिले में। कब बना बेटा? 1933 में। कब बना? 1933 में आपका जो है ये पलकमती टैंक बना है। कौन सा प्रदेश का पहला? ये पहला टैंक है आपका सिंचाई टैंक। और ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, कभी ईयर पूछ लेगा, तो कभी नाम पूछ लेगा, तो कभी जिला पूछ लेगा, ठीक है, पहला, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो दूसरा कौन सा आपका? बालाघाट में। दूसरा भी कौन सा आपका? बालाघाट में। देखिए दूसरा भी कहाँ है आपका? बालाघाट में दूसरा भी। और इसका नाम क्या है? मेरुम नाला। इसका नाम क्या है बेटा? मेरुम नाला। दोनों ही देखिए, एक जो है आपका कहाँ बना है आपका? रायसेन में बना। एक कहाँ बना आपका? रायसेन में पलकमती। दूसरा आपका कहाँ बना? बालाघाट में। बालाघाट वाले का नाम क्या है आपका? मुरुम नाला। और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है बेटा, ठीक है। तो दो पहला वाला कहाँ बना आपका? रायसेन में पलकमती। दूसरा वाला ये 1933 में, और ये उसी के जस्ट 3 साल बाद 1936 में बालाघाट में मुरुम नाला जो है आपका सिंचाई टैंक सेकंड वाला, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको आई होप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बस टैंकों के नाम याद रखने, क्योंकि टैंकों के नाम जो है एग्जाम में पूछेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारे यहाँ एमपीपीएससी की जो है प्री की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, जिसमें क्या रहेंगे आपके 1000 क्वेश्चन रहेंगे। जीएलसी ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ से पीडीएफ भी फ्री में जो है प्रोवाइड हो जाएंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग की स्थापना कब हुई? देखिए दोस्तों मैं जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ, मैं यही लेकर आई हूँ, चाहती तो मैं आप लोगों के लिए शुरू से वृहद सिंचाई और जो क्षेत्र होते हैं मध्य वर्ग, ये देखिए ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जो आपने नहीं पढ़ा, जिस पर आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं हुआ है, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिनके आने की संभावना है एग्जाम में, ठीक है। देखिए दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1956 होगा। कौन सा होगा? 1956 होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में सिंचाई अनुसंधान संचालनालय का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन, और जो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या होगा बेटा? 1964। किसका? मध्य प्रदेश में सिंचाई अनुसंधान संचालनालय का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो ये अनुसंधान है, अनुसंधान जैसे अपन लोग सोयाबीन में अपन लोग जैसे कि इसका पढ़ते हैं, कृषि में अपन लोग अनुसंधान पढ़ते हैं, उसी तरीके से ये जो सिंचाई अनुसंधान है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस संसाधन से होती है? आपका जो मध्य प्रदेश है इसमें जो सिंचाई होती है इसका संसाधन क्या है? ए बी सी डी आपके जो ऑप्शन है, देखिए ये जो ऑप्शंस हैं इसमें भी आपको समझा देती हूँ कि नहरों द्वारा भी होती है सिंचाई, नहरों के द्वारा भी होती है, आपके नलकूपों के द्वारा भी होती है, तालाबों के भी द्वारा होती है। ऑप्शन आपके तीनों ही सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या पूछा है? सबसे ज़्यादा जो होता है वो कौन सा होता है बेटा? आपका कुआं व नलकूप होता है। क्या होता है बेटो? आपका जो होता है कुआं और नलकूप ही दोनों होते हैं सबसे ज़्यादा जो करी जाती है वो, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देती हूँ कि जो आपका जो होता है नहरों के द्वारा, मैंने बताया था उत्तरी जो क्षेत्र वहाँ होता है, आपके जो कुओं और नलकूपों के द्वारा जो आपका मध्य भारत आता है वहाँ पर आपका जो होता है, और तालाबों के द्वारा जो अभी मैं अपन ने बात करी थी कि बालाघाट और ये जो आपका निचली जो क्षेत्र है उसमें जो है आपके तालाबों से जो है सिंचाई होती है। चलिए इसका जो आपका राइट आंसर होगा बेटा बी वाला होगा, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो किसके द्वारा होती है बेटा? नलकूपों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? सर्वाधिक जो आपकी सिंचाई होती है ना, सिंचाई किसके द्वारा होती है? कुओं व नलकूपों के द्वारा होती है। कुआ मतलब वही है, जब खोदने वाले आते तो हम बैठ के टुकटुके लगा के देखते रहते कि हाँ कुआ खुद रहा है, पानी निकलेगा, वही वाला। ट्यूबवेल
इसे नलकूप मतलब वही ट्यूबवेल बोरिंग जिसको बोला जाता है वही, ठीक है। बोरिंग भी जब लगता था तो रात भर उल्लू जैसे हम लोग जगकर देखते थे कि पानी कब निकलेगा, वही वाला, ठीक है। फिर जो है देखिए ये क्या है, फिर आपका जो है मंदसौर जिला जो है सर्वाधिक सिंचाई करने वाला जिला है, ठीक है। मंदसौर जो जिला है आपको मंदसौर जो जिला है उसमें सर्वाधिक जो सिंचाई होती है आपकी किससे होती है, कुएं और नलकूपों द्वारा ही सर्वाधिक सिंचाई आपकी होती है, ठीक है। देखिए आपको इसके बारे में मैं आपके लिए इमेज भी लेकर आई हूँ, थोड़ा सा मैं ऐसे भी आपको जो है बता देती हूँ। देखिए ये सब जो है अलग अलग क्षेत्रों में आपको बटा हुआ, तो बेटा यहाँ पर जो आपका है ये जो चीज़ें आपकी, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आपका ये वाला जो क्षेत्र है ये उत्तरी वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, उत्तरी वाला जो क्षेत्र है ये यहाँ पर जो ये क्या है सर्वाधिक सिंचित है, कौन सा है सर्वाधिक सिंचित है, ठीक है। ये मतलब यहाँ पर जो है उत्तरी जो क्षेत्र है यहाँ पर किसके द्वारा होती है, नहरों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है बेटा, नहरों के द्वारा ही जो क्या होती है आपकी जो है सिंचाई यहाँ पर होती है नहरों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जो आपका ये वाला जो पोर्शन है यहाँ वाला जो पोर्शन है आपका, ठीक है, यहाँ वाला और जो यहाँ वाला जो पोर्शन है यहाँ पर जो होती तालाबों के द्वारा होती, किसके द्वारा होती है आपके, तालाबों के द्वारा होती है, तालाबों के द्वारा जो है सिंचाई यहाँ पर जो है आपकी होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो आपका रहा इंदौर जो है आपका और आपका मंदसौर जो है यहाँ पर, ये मंदसौर आपका मंदसौर, ठीक है, मंदसौर, तो ये इंदौर और मंदसौर जो है आपका किसके द्वारा होती है बेटा, कुओं या नलकूपों द्वारा, किसके द्वारा, कुओं या नलकूपों द्वारा जो है क्या होती है बेटा सर्वाधिक जो है सिंचाई इसी के माध्यम से होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि उत्तरी जो क्षेत्र है आपका जो नहरों के द्वारा होता है, मध्य का जो क्षेत्र है आपका जो किसके द्वारा, तो कुओं और नलकूपों के द्वारा होता है, और नीचे वाला जो क्षेत्र होता है ये तालाबों के द्वारा होता है। मैडम अब आपने तीन तो बता दी, ये कौन बताएगा, ये भी मैं ही बताऊंगी। ये वाला जो क्षेत्र है आपका, इसमें अन्य स्रोतों के द्वारा भी जो है सिंचाई होती है, मतलब तीनों ही मिक्स होते हैं वहाँ, कहीं इससे हो गया, कहीं तालाब से हो गया, कहीं नहर भी हो गई है ना, इसी तरीके से मतलब सारे स्रोत अन्य स्रोत जो है यहाँ पर आपके साइड में जो है आपके आ जाते हैं पूर्व क्षेत्र में, ठीक है। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट कि भैया सिंचाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे होती है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये जो है मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ, देखो सिंचाई के स्रोत एक तो भूमिगत है आपका और एक क्या होता है धरातलीय जल, ठीक है। तो भूमिगत जो जल, भूमिगत मतलब क्या होता है कि जब नेचर से हम लोग पानी नहीं ले पाते, प्राकृतिक रूप से जो पानी नहीं कर पाते, तो फिर हम लोग क्या करते हैं भूमिगत जल ही निकालते हैं, कुआं खोते हैं, नलकूप खोते हैं, तालाब निकालते हैं। तालाब में भी दो तरह के होते हैं, एक तो प्राकृतिक जो अपने आप बन जाते हैं, दूसरा क्या होता है कृत्रिम जो मनुष्य खुद बनाता है। कुछ तालाब कैसे होते हैं अपने आप, जहाँ बांध बनाते हैं बांध के साइड में हमेशा तालाब बन जाता है थोड़ी दूरी पर, क्यों, क्योंकि जब बारिश के समय जब भराव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पानी क्या करता है छोटी छोटी नालियाँ बनाकर बहने लग जाता है, और बहने लग जाता है वहीं पर पानी क्या हो जाता है इकट्ठा हो जाता है और उस वही तालाब का रूप ले लेता है, ठीक है। और एक क्या होता है मनुष्य जिसको खुद बनाता है स्वयं बनाता है वो होता है कृत्रिम, ठीक है। उसके बाद देखिए नहर भी क्या होती है आपकी, नियत वाही होती है और अनियत वाही होती है। नियत वाही जो मतलब हमेशा बहती रहती है, अनियत वाही क्या होती है जिसमें जो है पानी की कभी कभी कमी आ जाती है तो दूसरी नदियों को उसमें जोड़ना पड़ता है जिससे कि वो पूरी तरह बहती रहे, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, और ये जो परसेंटाइल मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी, देखिए ये वाला परसेंटाइल, तो देखिए ये जो मध्य प्रदेश में जो सिंचाई के साधन है एक अन्य के द्वारा होता है, तालाबों के द्वारा होता है, नहरों के भी द्वारा होता है, और जो क्या होता है आपका, तो मतलब जो बात यहाँ पर सिर्फ ये जो आपको ये जो डायग्राम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे बेटा मैं, ये शो कर रहा है। देखिए यहाँ पर एरिया वाइज नहीं दिया उसने, यहाँ पर एरिया वाइज नहीं दिया, यहाँ पर क्या दिया बेटा कि सबसे ज़्यादा जो आपकी सिंचाई होगी क्या होगी, सिंचाई होगी वो किसके द्वारा होगा, नलकूपों के द्वारा। देखिए ये परसेंटेज रहा आपका, ये आपको परसेंटेज रहा, तो सबसे ज़्यादा जो होती है आपके नलकूपों द्वारा होती है, अन्य के द्वारा 13 से होती है, तालाबों के द्वारा जो होती है आपकी 22.7% होती है, नहरों के द्वारा आपकी जो है इतनी होती है। तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है, जो क्षेत्रफल है, जो एरिया आपको दिख रहा है बेटा वो किसका है, नलकूपों का। ये एरिया डिसाइड कर रहा है, एरिया बता रहा है ये। उसके बाद जो ये जो इतना वाला जो पोर्शन है ये कम परसेंटाइल जो बता रहा है आपका तालाबों को बता रहा है, और बाकी जो नहरों द्वारा होती है मतलब सबसे पहला जो नंबर आएगा, मतलब नंबर की बात करो सबसे पहला नंबर किसका आएगा, कुएं का, दूसरा नंबर है आपको नहरों का, तीसरा नंबर जो 13% ये रहा तीसरा इसका आएगा, और चौथा जो आपका इसका आएगा, सीरियल नंबर की बात करो क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है बेटा।
आया कॉन्सेप्ट समझ में? चलिए देखिए, अभी सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अदरवाइज चैप्टर वाइज जब लेकर आएंगे तो बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे अपन लोग। बस अभी बस मेरा इंटेंशन ये है ये सारी चीज़ें लाने का। बेटा आप लोग बहुत दुरंधर होंगे, पढ़ लिया होगा, लेकिन मेरा जो वीडियो नया बच्चा भी देखेगा ना उसको भी समझ में आना चाहिए कि मैडम ने क्या पढ़ाया है, इसीलिए ये सारी बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर देती हूँ। चलिए दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में जल मौसम विभाग की जो विज्ञान जल मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसीलिए जो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका 1981 होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका, 1981 में क्या लेकर आए थे, जल मौसम विज्ञान विभाग की जो क्या हो गई थी बेटा, स्थापना यहाँ पर हो गई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में जो है मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत अच्छे बेहतर क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, इसी तरीके से आप लोग मेरा साथ दीजिए दोस्तों, और बहुत ही जल्दी हम लोग जो है चैप्टर वाइज लेकर आऊँगी मैं, क्योंकि अब मुझे पता है मेरे बच्चे मुझसे चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं। आप लोगों को कमेंट्स में देखती हूँ, और थैंक यू सो मच आपका इतना साथ देने के लिए। और दोस्तों खूब अच्छे से मेहनत करिए, खूब अच्छे से पढ़िए और बहुत आगे बढ़िए, अपना पढ़ लिख कर अपने परिवार का नाम रोशन करिए बेटा, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करिए, यही दुआएं बस मेरी आप लोगों के साथ में दोस्तों। थैंक यू।